जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नदियों के कौन कौन सी सहायक नदियां हैं ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप आसानी से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और साथ में मैं बता दूं कि भाई मैं अन अकेडमी पे भी क्लास लेता हूं, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री में टेस्ट दे सकते हैं ना। स्पेशल क्लास लेता हूं 9 बजे, आप आइए वहां पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आराम से टेस्ट में आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको पैसा देकर देना है तो प्लस ले सकते हैं, रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि भाई कौन कौन सा ट्रिक है जिससे आप सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। तो पहला ट्रिक आपके सामने ये रहा, अरे ट्रिक तो नहीं है लेकिन यहां लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है। लीजिए आपके सामने ट्रिक, और ये रहा, दिलों में सुस्ती। दिलों में सुस्ती लाइएगा, दिक्कत हो जाएगा, समझे। एग्जाम अगर निकालना है तो मस्ती लाइए, लेकिन अगर याद करना है तो सुस्ती है याद रखना पड़ेगा। यहां देखते हैं, पहले हम लोग थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का नॉलेज ले लिया जाए। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है और चाइना होते हुए यू टर्न मारते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहने कहते हैं असम में, और असम में मांझली एक द्वीप बना हुआ है जो विश्व की सबसे बड़ी नदियां द्वीप है। उसके बाद चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये पद्मा से मिलती है। पद्मा कौन? तो गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और उसके बाद आगे इनके संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है क्योंकि एक मेघना नदी भी आकर उसमें मिल जाती है। उसके बाद एक सुंदरबन डेल्टा बनता है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की खास बात है, लेकिन यहां देखते हैं दिलों में सुस्ती है क्या। ठीक, तो दी से हो जाएगा दिबांग, उसके बाद लो से हो जाएगा लोहित, नेक्स्ट मे से हो जाएगा मानस, उसके बाद सु से सुबन सिरी, सुबन लगा लीजिएगा आगे सिरी, और उसके बाद है स से संकोच, और लास्ट में बचा ती। ती से क्या होगा? ती से होगा तिस्ता, है ना, आसान, दिलों में सुस्ती। अब आते हैं नेक्स्ट, गंगा की सहायक नदी। अगर उसको याद करना है तो गंगा से ही जुड़ा हुआ ट्रिक होना चाहिए। और बाढ़ जब आता है तो कहता है आदमी, बाप घर में ही गंगा बह रहा है, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना जब बाढ़ आता है। तो ये देखिए, ये गंगा घर में कैसे? अरे भैया, रात को बारिश हुआ है इसीलिए घर में। ये गंगा घर में कैसे? ठीक, यहां पे देखते हैं, मैंने मानचित्र दिया हुआ है और इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ना ठीक रहेगा। तो अगर देखा जाए तो गंगोत्री से निकलती है और फिर ये सहायक नदी आकर इसमें मिलती है, यमुना भी आकर यहाँ पे मिलती है प्रयाग में, उसके बाद बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है, फिर जो मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो इस तरह से आगे हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ट्रिक के बारे में देखते हैं कि भाई ये गंगा घर में कैसे? ठीक, ये से क्या होगा? दिमाग में आ गया होगा पक्का, ये से क्या होगा? यमुना। उसके बाद ग से क्या होगा? गंडक। उसके बाद फिर गा है लेकिन यहां पे गो लिखा हुआ है, भावनाओं को समझिए। गा से होगा गोमती, उसके बाद घ से घाघर, घघरा, जिसको सरयू नदी भी कहा जाता है, और उसके बाद र से रामगंगा, म से महानंदा जो बिहार और पश्चिम बंगाल का सीमा रेखा भी बनाता है, और उसके बाद क से कोसी, कोसी मतलब बिहार का सोक, और उसके बाद से हो जाएगा सोन नदी। यहां पे देखिए सोन नदी आकर मिलती है, यहां पे यमुना नदी, ये टोंस नदी नदी भी मिलती है। तो अब ये एक मेन जो आपको नदियां हैं, ये गंगा घर में कैसे, अब याद रख लीजिएगा तो पूरा का पूरा ट्रिक आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको PDF चाहिए तो कहां से मिलेगा, लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, आपको फायदा हो जाएगा। आते हैं ट्रिक क्या है, यमुना से बच के रहना रे बाबा, यमुना से बच के। थोड़ा मानचित्र देख लेते हैं, यमुनोत्री से निकलते हुए प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिल जाती है गंगा में, और चार सहायक नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन से बच के।
यहां देखिए से क्या होगा, सिंध, ब से बेतवा, च से चंबल और क से के, है ना सिंपल। अभी रुकने का नहीं, अभी आगे और भी बहुत सारे ट्रिक हैं। देखिए कैसे, ये रहा सिंधु की सहायक नदी। देखिए भाई सिंधु की जो सहायक नदी है ना, ऐसा बहुत सारे हैं। अब जैसे सियोक हो गया, गिलगित हो गया, काबुल हो गया, तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन आपके पंच नद आता है, जो पांच प्रमुख सहायक नदियां याद होगा आपको। तो अगर उसको याद करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, राज सचिव, इसमें थोड़ा जुगाड़ सिस्टम है, उस जुगाड़ सिस्टम को भी समझ जाइएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। राज सचिव पहले यहां पे देखते हैं, देखिए मानसरोवर से ये भी निकलती है और सिंधु होते हुए, मतलब सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए उसके बाद पाकिस्तान होते हुए कराची के समीप अरब सागर में जा गिरती है, मिठन कोट में ये जो पांचों जो सहायक नदियां हैं वो जाकर मिलती है। क्लियर, मिठन कोट पाकिस्तान में है। तो अब अगर रा से कहें तो रा से होगा रावी, ज, अरे ज को इंग्लिश में जे लिख सकते हैं ना, और जे को भी जे एच लिख सकते हैं, तो जे से ही शुरू हो रहा है, तो राज मतलब ज से हो जाएगा झेलम, उसके बाद स से हो जाएगा सतलज, ची से हो जाएगा चेनाब, और उसके बाद व से बोल दीजिए ब्यास। अगर आपको ये थोड़ा सा जुगाड़ सिस्टम लगता है तो आरजे रेडियो जॉकी होता है ना, आरजे सचिव भी कर सकते हैं, बस याद होना चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं कि कौन सा ट्रिक है। ये रहा कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी है, मुश्किल है आसान है, ये देखिए। दीपक तुम भी घूमो, कृष्णा तो घूम ही रहा है, तुम भी घूमो। कौन घूमेगा भाई, दीपक, दीपक तुम भी घूमो। अब यहां देखिए कृष्णा नदी है, यहां से ऐसे ऐसे फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, लेकिन यहां पे दी से क्या होगा, दी से होगा दूध गंगा, प से क्या होगा पंच गंगा, फिर उसके बाद क से कोयना, और उसके बाद तू से तुम भद्रा, म से मूसी नदी, मूसी नदी हैदराबाद बसता है किस नदी किनारे, मूसी नदी, उसके बाद भी से पंडरपुर कहां बसा हुआ है, भीमा नदी के किनारे। नेक्स्ट अगर आते हैं घू से हो जाएगा घाट प्रभा, और उसके बाद म से हो जाएगा माल प्रभा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई देख लीजिए, तो देखिए आप यहां पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मतलब तैयारी हो सकता है लॉकडाउन में, और बहुत बच्चों का फायदा भी हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहां पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, बस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, ऐसे आपको मुकेश सर BXR खोजिएगा तो मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम कहें कि भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मेरे साथ जुड़ जाइए, बहुत ही फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।